जय श्री राम भाई सभी को। तो कैसे हो आप सब? तो आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई जी, मैं ऑलरेडी एक निंजा है, डोंट वरी, यहाँ नहीं आ रहा। अच्छा, हमारा बात कर रहे थे कि हमारी टीम में नहीं आ रहा। नहीं नहीं पागल हो गया, निंजा इज नॉट माई काइंड ऑफ प्लेयर यार। डू यू थिंक जोनाथन इज द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर? ही वॉज। अभी तो हम मतलब अभी तो स्ट्रगल कर रहा है, बट ही वॉज द मोस्ट कंसिस्टेंट। ऑब्वियसली यार, वो देखो इतना बड़ा तभी हुआ है ना जब इतना उसने किया है। पाजी, ऐसा क्यों होता है कि हर बार के जो चैंपियन साइड टीम होती है अपनी साइड नेक्स्ट टूर्नामेंट में रिटेन नहीं कर पाती पहले ओवर वाले टाइम, अब टीएक्स के टाइम #NoIt। भाई देखो, मुझे नहीं पता है कि इंटरनल क्या होता है टीम्स में क्या नहीं, बट एक इंसान को ग्रो करने का पूरा पूरा हक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चलो अभी निंजा मूव हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि निंजा का वहां रह के कुछ खराब हो रहा था, सब कुछ अच्छा ही हो रहा था, बट हो सकता है उसको लगता होगा कि उसका और बेटर हो जाए। गेम प्ले वाइज बोल रहा हूँ, उसको लग रहा होगा कि यहाँ पे उसका उतना पोटेंशियल नहीं दिख पा रहा, जहाँ कहीं और जाके उसका और ज्यादा दिख जाए, है ना। और गाइस देखो, एक चीज लिख के किताब पे लिख के रख लो कि तुम लोगों को ये चीज की नॉलेज अगर कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है तो उसको होनी चाहिए कि तुम्हारे पास 4 से 5 साल ही हैं जिसमें तुम शाइन कर सकते हो, आउटशाइन कर सकते हो। सो ज्यादा लंबी एक्सपेक्टेशंस मत रखो। वो जो टाइम स्पेंड तुम्हें मिला है उसमें जितनी तुम्हें जो डिसीजन लेके तुमसे बेस्ट हो सकता है वो करो। अच्छे डिसीजन मत लो, वो भी बात होती है एक, बट अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा अच्छा डिसीजन है तो उसको ले लो, और उस टाइम में जो अपनी लेगेसी बना सकते हो बना दो। और उसके बाद फिर आपको साइडवेज में आपको क्या ढूंढना है, कंटेंट साइड जाना है, किसी भी साइड जाना है, क्या ढूंढना है ढूंढ लो, वरना फिर वही होगा कि 2-4 साल ई-स्पोर्ट्स की सैलरी ली और देन बैक टू देयर जहां पे आप डिवाइस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है जोकर, व्हाट डू यू थिंक? यार मैं नहीं यार कुछ ऐसा बोलता यार, क्योंकि मेरे को यार हिसाब ही नहीं है चीजों का, मेरे को इन सब चीजों का समझ ही नहीं। जिसका जो मन कर रहा है, उसको अगर लग रहा है कि वो उसके बेटरमेंट के लिए हो रहा है तो बस करने दो ना।